हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण देखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा जैसा कि आप बचपन से पढ़े हैं, स्कूल डेज में पढ़े हैं, कॉलेज में भी हिंदी में सब्जेक्ट्स में आप लोग पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए ये नया है। इंग्लिश में भी पढ़े रहते हैं हम, हिंदी में भी पढ़े रहते हैं। इंग्लिश में हम नाउन पढ़ते हैं, हिंदी में हम संज्ञा पढ़ते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा जो है दो शब्दों के मेल से बनता है। क्या है? तो यदि हम देखें संज्ञा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो सम धन ज्ञा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि सम्यक ज्ञान कराने वाला। क्या करवाने वाला? सम्यक ज्ञान करवाने वाला, ज्ञान कराने वाला, ठीक है। समधन ज्ञा का मतलब होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, जिसे हम संज्ञा का एक दूसरा पर्याय भी होता है, जिसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का पर्याय क्या है? नाम। इसका ये मतलब हुआ कि संज्ञा क्या होती है? नाम। जिन शब्दों से हमें नाम का पता चले तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? उसे ही हम संज्ञा बोल देते हैं, ठीक है। और सामान्य रूप से हम यदि बात करें कि संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो संज्ञा हम बोलते हैं किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, गुण भाव, अवस्था, क्योंकि ये तो हम पढ़े हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब है ना। लेकिन गुण, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। नाम को क्यों संज्ञा कहे? क्योंकि संज्ञा का पर्याय ही होता है नाम। इसीलिए जितने भी इंग्लिश में हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, जिस किसी को हम नाम दे सके उसको ही हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। उसे ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जिसका भी आप नाम दे दो, आप व्यक्ति का नाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, पशु पक्षी का नाम दे सकते हो, वस्तु का नाम दे सकते हो, गुण को भी आप नाम दे सकते हो, भाव, आपके हृदय में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसका भी नाम दे सकते हो, या फिर आप व्यक्ति की अवस्था को भी नाम दे सकते हो। तो ये सभी चीजें, जिस किसी का भी आप नाम दे सको उसे ही हम क्या बोलेंगे? तो उसे ही हम संज्ञा बोलेंगे। सम्यक ज्ञान करवा देता है ये, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था का अपना अपना नाम है, और व्याकरण में इस नाम को ही हम क्या कहते हैं? इस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबका नाम होता है, जिसका भी नाम है उसको ही संज्ञा मान लीजिए, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले, संज्ञा में विकार होते हैं। संज्ञा के विकार क्या है? आइए पहले हम ये जान लेते हैं संज्ञा के विकार क्या होते हैं। तो संज्ञा का विकार माना जाता है कि संज्ञा शब्द विकारी होता है। संज्ञा क्या है? तो यह विकारी शब्द होता है। क्या होता है? विकारी शब्द होता है, ठीक। और इसके ना तीन, यह विकार, ये विकारी शब्द तो हुआ, और ये विकार किन कारणों से होता है? तो तीन कारणों से ये उत्पन्न होते हैं। और वो कौन कौन से कारण है? तो वो तीन कारण है, तो लिंग, ठीक, लिंग हो गया, वचन हो गया, और कारक। ये तीन कारण है जिसकी वजह से संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं, और इस वजह से पूछा जाता है एग्जाम में संज्ञा विकारी है या अविकारी। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा विकारी है। किन कारणों से ये विकार उत्पन्न होते हैं? तो लिंग, वचन, कारक, ये तीन कारण है जिसकी वजह से संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आपने संज्ञा पढ़ा नहीं है कभी भी, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है। बस इसको अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत कम दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल एग्जाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं संज्ञा के भेद क्या क्या होते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, जब बताया जा रहा है तो उसको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। संज्ञा के यदि हम भेद देखें तो संज्ञा के प्रमुख भेद जो माने जाते हैं वो तीन प्रमुख भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी कि आप यदि इंग्लिश में बोलना चाहें तो आपने यदि इंग्लिश में पढ़ा होगा तो प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक में यदि हम बात करें तो कॉमन नाउन हम बोल देते हैं, ठीक है। यदि हम भाववाचक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है आप लोगों को चीजें?
तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन प्रमुख भेद संज्ञा के माने जाते हैं। लेकिन क्या है कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संज्ञा के और दो प्रकार होते हैं, और इसका मतलब संज्ञा के और दो भेद कुछ विद्वान मानते हैं। और वो कौन से दो भेद कुछ विद्वान मानते हैं? तो वो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक। और कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, ठीक। और द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन। मुख्यतः यदि आप बात करोगे तो मुख्यतः इसके तीन भेद माने जाते हैं, व्यक्ति, जाति, भाव। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मत है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से यदि हम बात करें कि संज्ञा के कुल फिर कितने भेद हुए, तो संज्ञा के कुल 5 भेद हुए। एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा गया है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? 5 कितने भेद हो गए? 5 भेद, बिल्कुल रट लेना। कौन सा? व्यक्ति, जाति, भाव। बोलो, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। इसी संदर्भ में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि मुख्यतः यदि हम देखें, ये तो ये बिल्कुल ये याद करने की चीज है, ये पेज तो आप लोगों को रट जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो चीज मैं बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए कि कामता प्रसाद गुरु का क्या कहना है। उनका कहना है कि संज्ञा के ना तीन ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्ति, जाति, भाव, यही तीन प्रकार होते हैं। और ये जो दो प्रकार एक्स्ट्रा है ना, समूह और द्रव्य, समूह और द्रव्य। और ये जो समूह है वो व्यक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा भी आ जाती है, समूहवाचक संज्ञा भी आ जाती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। और जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती है। इसका मतलब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कॉमन नाउन के अंतर्गत ये जो मटेरियल नाउन आ जाता है, ठीक है, कॉमन नाउन के अंतर्गत ये मटेरियल नाउन आ जाता है। ये किसका कहना है? तो कामता, यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, है ना, कामता प्रसाद गुरु का कहना है, कामता प्रसाद गुरु का ऐसा कहना है, ठीक है, कि ये जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक आता है और जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक आता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संज्ञा के ना मुख्यतः तीन ही प्रकार होते हैं। और यदि हम पद की भेद यदि हम बात करते हैं कि ये जो है एग्जाम में फिर हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है या 3 लिखना है, तो आपको ये चीज को याद रखना है कि यदि आपके एग्जाम में आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है तो आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए लेकिन साथ में चल रही हूँ, ठीक है। आइए, कौन कौन से वो भेद होते हैं, जैसे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, आइए देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक, अब व्यक्ति है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि व्यक्तिवाचक क्या हुआ कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो। किसका किसका बोध हो रहा है हमें? तो यहां से हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, वस्तु, स्थान, प्राणी, यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करें तो वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखते हैं। अब हम जब व्यक्ति का बोध होने की बात कर रहे हैं, हम प्राणी के बोध होने की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखें कि जैसे कि श्री राम, ठीक, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, कृष्ण, तो ये क्या है? तो ये हमें विशेष व्यक्तियों का बोध करवा रहे हैं ये शब्द, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? तो हाँ बिल्कुल, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। यहाँ पे बोध किसका हो रहा है हमें? तो प्राणी का, व्यक्ति का बोध हुआ, इसीलिए हम बोल दिए कि नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे कि गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, तो ये इनसे हमें क्या पता चल रहा है? तो इनसे हमें ग्रंथों का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? ग्रंथों का बोध हो रहा है, तो इसे ही, यानी कि इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे ही हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे। ग्रंथों का यहाँ पे हमें बोध हुआ है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? तो इसको हम नाम दे देंगे कि ये व्यक्तिवाचक है। फिर उसके बाद स्थानों का बोध हो रहा है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर,
यहाँ से हमें स्थानों का बोध हुआ तो इसको हम क्या बोल देंगे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से हमें स्थान के नाम का बोध हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको याद क्या करना है, जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है तो उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, प्रॉपर नाउन क्या हुआ। नेक्स्ट में आ जाइए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जातिवाचक एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये नाम बिल्कुल याद रखना कि स्थानों का नाम दे दिया गया था, एग्जाम में पूछा गया था, है ना। जैसे कि स्थानों का नाम के अंतर्गत काशी दिया गया था, क्या दिया गया था, काशी दिया गया था, और पूछा गया था कि ये कौन सी संज्ञा है, किस संज्ञा के अंतर्गत ये आता है, तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब ये बस नहीं समझना है कि केवल हमें जो व्यक्ति का बोध करवाती, नहीं, तो वस्तु, स्थान, प्राणी, प्राणी मतलब व्यक्ति का जो बोध करवाते हैं जो शब्द, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद आगे आ जाइए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि हम कॉमन नाउन में आ गए हैं, कॉमन नाउन में हम आ गए हैं, इसका अब आइए देखते हैं कि ये है क्या जातिवाचक। तो जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध हो जाता है उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वर्ग या जाति का बोध होना मतलब क्या हो गया, आइए उदाहरण से हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का गरीब था, पूरे ठीक है, समझ में आ गया, लड़का गरीब था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्रत्येक लड़का को हम क्या बोलते हैं, लड़का बोलते हैं प्रत्येक लड़का को। यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे इंगित नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये जाति किसी वर्ग का बोध करवा रही है। ये किसका बोध करवा रही है, वर्ग का, यानी कि जो जाति, लड़कों की जो जाति, वो सभी लड़कों को आप लड़का ही बोलेंगे, क्यों और कुछ बोल देंगे नहीं, उनको तो वही बोला जाएगा। जैसे कि नदी पर्वत से निकलती है, नदी पर्वत से निकलती है तो हर नदी को हम नदी ही बोलते हैं और हर पर्वत को हम क्या बोलते हैं, तो पर्वत ही बोलते हैं, हर पर्वत को हम पर्वत ही बोलते हैं। कॉमन है, ये कॉमन है, जनरलाइज्ड कर देते हैं हम, सामान्य रूप से हम यही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया, अच्छा नदी यहाँ पे क्या है, नदी यहाँ पे हमारा जातिवाचक है और पर्वत भी हमारा यहाँ पे जातिवाचक है। ठीक, गाड़ी सुंदर है तो प्रत्येक गाड़ी गाड़ी ही कहलाती है, प्रत्येक गाड़ी गाड़ी ही कहलाती है। ठीक है, गाड़ी किसमें, कैसे आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ। अब ये नहीं पूछा गया है कि आप कौन सी गाड़ी से आए, नाम बता दीजिए, ये वाली है कि कौन सी वाली है, किस से आए हो, गाड़ी से आया हूँ। ठीक है, तो क्या है, गाड़ी सुंदर है, तो यहाँ से आपको ये समझना है, जैसे कि लड़का हो गया, नदी, गाड़ी, तो ये जो शब्द हैं तो ये अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं और जातिवाचक, जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती है। ये अपनी जाति को सूचित कर रहे हैं, ये अपने वर्ग को सूचित कर रहे हैं, ये कॉमन है, हम सभी लड़कों को लड़का ही बोलेंगे, हम बॉय मतलब बॉय हो गया, बॉय मतलब बॉय, चाहे कोई सभी हो। ठीक है, अब नदी की बात करो, रिवर बोल रहे हो, रिवर मतलब रिवर, माउंटेन मतलब माउंटेन हो गया, पर्वत मतलब पर्वत, गाड़ी मतलब गाड़ी हो गया, व्हीकल मतलब व्हीकल ही है, वो कॉमन है, चाहे उसके अंदर कोई भी कैटेगरी अब ला दो। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जातिवाचक के अंतर्गत क्या आता है, जातिवाचक के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो, जिन शब्दों से हमें पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, देश, चाहे वो भारत देश हो, चाहे कुछ कोई सा भी देश, बांग्लादेश, चाहे कोई सा भी देश। नेता, तो नेता मतलब नेता, आप नाम फिर और कुछ बोलिए लेकिन सामान्य रूप से तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा कौन आया, नेता जी आए हैं, अब नेता जी आ गए। ठीक है, पक्षी, अब पक्षी में आप अलग अलग तो कैटेगराइज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पक्षी सो पक्षी, फूल मतलब फूल, बच्चे, मकान, गाय, गांव आदि, ये सभी चीजें क्या होती हैं, तो ये सभी चीजें जो होती हैं ये हमें पूरा का पूरा उन अपने ये वर्गों का, अपने जाति का ये बोध करवा रहे हैं, तो इसे ही हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम कॉमन नाउन बोलते हैं। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो जिन शब्दों से, जिन संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये गुण, भाव, अवस्था का क्या मतलब हुआ इसका, और भाववाचक संज्ञा को मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब ये गुण, भाव, अवस्था का बोध करवा रहे हैं तो उसे ही हम भाववाचक संज्ञा। कैसे बोध करवाते, आइए देखते हैं, समझते हैं। हम बचपन को याद करते हैं,
हम बचपन को याद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा उदाहरण क्या है, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, ये भाव प्रशंसा कर रहे हैं। लेखक को अपनी पुस्तक से प्रेम है, भाव है उनका, ये उनका भाव है। बचपन क्या है, तो ये अवस्था है, हम बचपन को याद करते हैं, यानी कि हम अपनी अवस्था को याद कर रहे हैं। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। लेखक को अपनी पुस्तक से प्रेम है, ये उनके भाव है, प्रेम, प्रेम का भाव है उन्हें, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, भाव, गुण और अवस्था को जो सूचित करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा क्या है कि बचपन, प्रशंसा, प्रेम, संज्ञा शब्द किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं, और भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम देख या छू नहीं सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाव, भाव को आप देख सकते हो क्या, माँ की ममता को क्या देखा, छूओगे क्या, उसका तो अनुभव किया जा सकता है, अनुभव करते हैं हम, हाँ, कि हमारी मम्मी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, हमारे पापा हमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये भाव होते हैं जिसे हम केवल अनुभव करते हैं, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते। छूओगे क्या, बिल्कुल आंखों से, ये तो अनुभव, आपकी अनुभूति हो रही है, आपकी अनुभूति है। तो जिसको, जिस भी चीज का आप अनुभव करें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास हो गया, तो मिठास को आप देख पा रहे हो क्या, छू पा रहे हो, नहीं, आप तो अनुभव कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि जवानी, अमीरी, गरीबी, कड़वाहट, ये सभी क्या है, तो ये सब अनुभव है, अनुभूति होती है ये सब चीज की, है ना। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दासत्व क्या है, ये दासत्व, दासत्व कौन सी संज्ञा है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, दासत्व बताइए कौन सी संज्ञा है। तो दासत्व क्या है, जैसे कि मैंने बताया अमीरी, गरीबी, अमीरी गरीबी को कोई क्या बोलते हैं, ये तो अनुभूति है ना, कि अमीरी गरीबी है, ये तो अमीरी गरीबी है, यानी कि आपकी सोच में कोई व्यक्ति अमीर है, आपकी सोच में कोई व्यक्ति गरीब है, दासत्व क्या है। तो दासत्व तो ठीक है, एक भाव है, ये एक भाव है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ये कौन सा भाव, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, याद रखना है ना। पूछा गया है, पूछा गया था कृपणता क्या है, कृपणता बताइए, कृपणता क्या है, कंजूसी क्या होती है, ये तो क्या है, उसके भाव है, यानी कि वो क्या कर रहा है, व्यक्ति एकदम कृपण है, कंजूस है, ये क्या है, तो ये भाव है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं कृपणता, भाववाचक संज्ञा, ये अनुभूति का है, ये अनुभूति का काम, यानी कि क्या है ये, किसी हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, तो गुण, दशा, स्वभाव, यानी कि क्या है, उसकी दशा है, अवस्था है, स्वभाव है उसका, स्वभाव, कृपणता उसका स्वभाव है, भाव, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो स्वभाव, उसका स्वभाव है, यानी कि कंजूसी करना उसका स्वभाव है, कृपणता, तो क्या हुआ, ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। फिर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा जैसे कि हमने देख लिया, प्रशंसा क्या, भाववाचक संज्ञा है, ये सभी चीजें पूछी गई थी, याद रखना आप लोग, है ना, ये जो जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, जैसे कि दासत्व हो गया, कृपणता हो गया, प्रशंसा हो गया, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रकार है, तो समूहवाचक है। समूहवाचक तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन के नाम से हम जानते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक, कलेक्शन है ये, कलेक्शन है ये, क्या है, हमें ये क्या बता रहे, समूहवाचक से ये क्या है, समूह का बोध होता है, हमें समूह का बोध होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समूह का बोध मतलब यह पशुओं का झुंड है, चींटियां परिवार में रहती हैं, यह अंगूर का गुच्छा है, यह अंगूर का गुच्छा है, यानी कि ये क्या है, समूह का बोध करवा रही है ये सभी शब्द समूह का हमें बोध करवाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि झुंड, परिवार, गुच्छा, तो समूह का बोध करवा रहे, तो इसलिए हम समूहवाचक। अन्य उदाहरण आप देखेंगे, दल, टोली, गड्डी, यानी कि नोटों की गड्डी जिसको बोलते हैं ना, कलेक्शन है वो, ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, गठर यानी कि गठरी जिसको हम बोलते हैं, मंडली, जुलूस, सेना,
तो ये सब क्या है, ये कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी कि जहाँ पे हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम झुंड की बात कर रहे होते हैं, हम परिवार के गुच्छे, दल, टोली, सेना, पूछा जाता है कि सेना क्या है, सेना कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? जैसे कि संघ हो गया, तो संघ क्या है, तो संघ तो यानी कि समूह, समूह को ये इंगित करे, समूह, समूह बता रहा है। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं टीम, है ना, टीम, तो टीम क्या है, तो समूह का बोध करवा रही है, तो वो समूहवाचक होती है। गिरोह, चोरों का गिरोह है ये, है ना, यानी कि ये रात में चोरी करने वालों का ये गिरोह है जो कि घूम रहे हैं ये लोग, बच्चे पकड़ने वालों का ये गिरोह है, तो गिरोह क्या है, ये कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, कलेक्शन की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो गिरोह क्या हो गया, तो ये आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिस संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यह अंगूठी सोने की है, यह अंगूठी सोने की है, 2 किलो चावल बचा है, क्या बचा है, तो 2 किलो चावल बचा है। सरसों का तेल कितने रुपए किलो है, जहां पे हमें धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे ही हम द्रव्यवाचक, या फिर हम बोल सकते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन, द्रव्य का पता चल रहा है हमें, तो उसको हम मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, जैसे कि सोना हो गया, जैसे कि हम बोलें सोना, चांदी, तांबा, ये सभी चीजें क्या होती हैं, तो ये सभी चीजें ये क्या है, तो ये सभी चीजें द्रव्य है, ये क्या है, धातु है, धातु है, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं 2 किलो चावल बचा हुआ है, है ना, धातु की बात कर रहे हैं हम, द्रव्य की बात करें, पदार्थ की बात करें, सरसों का तेल कितने रुपए किलो है, कितने रुपए किलो है, तो यहाँ पे जब जब कहीं पे हम धातु की बात करते हैं, द्रव्य की बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, तो उसे ही हम, यानी कि जहां से हमें पदार्थ का बोध होता है, अच्छा ये पदार्थ है, अच्छा ये मटेरियल है, तो उसको ही हम क्या बोल देंगे, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम दे देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, आगे देखें, जैसे कि चावल है ये, सरसों है ये, तेल है ये, तो ये सभी चीजें क्या है, तो ये द्रव्य पदार्थ है ये, सरसों का तेल है ये। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं, ये पूछा जाता है ना, भाववाचक से काफी प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप लोगों को अलग से करवा रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा निर्माण पांच प्रकार के शब्दों से होता है। कितने प्रकार के शब्दों से, तो 5 प्रकार के शब्दों से होता है। कौन कौन से हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको बताऊंगी, है ना, जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा, भाव में क्या देखा था हमने, तो भाव में हमने देखा कि गुण, दशा, भाव, स्वभाव को जो बोध करवा दे जो शब्द, उसे ही हम भाववाचक कहते हैं। तो हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, जैसे कि नदी, पर्वत, पहाड़, मकान, कुर्सी, हर प्रकार की कुर्सी को आप कुर्सी ही बोलते हैं, है ना, तो ये उसको हम जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा से हम किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं उसे हम देखेंगे। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से होता है, तो 5 प्रकार के शब्दों से होता है। किसके किसके, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द आप बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में यदि आप प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाता है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि बच्चा है, बच्चा है, ये जाति है, जाति मतलब कि वो क्या बताया है, वो समूह का बोध करवाया है, वर्ग का बोध करवा रहा है बच्चा। भाव क्या हुआ, अवस्था क्या हुई, अवस्था हुई बचपन,
भाव क्या है, यानी कि भाववाचक में हमने क्या पढ़ा था, अवस्था का, गुण का, दशा का, स्वभाव का बोध कर। अवस्था है बचपन, बाल है तो आप पन लगा दीजिए, प्रत्यय लगा दीजिए पन, तो बालपन हो गया। लड़का है तो प्रत्यय लगा दो पन, तो हो गया लड़कपन, लड़कपन। पागल है, पन लगा दो तो हो जाएगा पागलपन। मानव है तो ता लगा दो प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा मानवता, है ना। उसके स्वभाव की बात बता रहे हैं, उसके भाव मानवता, उसमें बहुत ज्यादा मानवता है ना। पशु की बात करवा रहे तो ता जोड़ दीजिए तो पशुता आ गई। अरे कैसा आदमी, एकदम पशुता है उसमें, ठीक है, पशु जैसा व्यवहार करने की पशुता है उसमें। तो ये भाव, ये सब क्या है, ये भाववाचक। हमने क्या देखा, हम जाति, ये पागल, यानी कि आप हर किसी को, मतलब कि हम बात करें तो पागल को पागल ही बोलेंगे, चाहे वो किसी भी, कोई भी पागल हो, है ना। मानव को मानव ही बोला जाता है, पशु को पशु ही बोलेंगे, लड़का को लड़का बोलेंगे, बाल को बाल ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहां से हमने जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा बना लिया। अब बात आती है, हम सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो सर्वनाम शब्दों में भी यदि आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि पराया, पराया तो आप पन जोड़ दीजिए तो परायापन हो गया, परायापन हो गया, ठीक है। निज हुआ तो त्व, निजत्व क्या हो गया, त्व प्रत्यय जोड़ दीजिए तो वो क्या बन गया, भाववाचक निजत्व की बात बताई जा रही है। अपना तो अपनापन, अपन नहीं, अपन अपना तो त्व जोड़ दीजिए तो अपनत्व, अपनत्व हो गया, ठीक। मम है तो वहां पे ता जोड़ दीजिए तो ममता, त्व जोड़ देंगे तो ममत्व हो जाएगा, है ना। अहम है तो कार जोड़ दीजिए तो अहंकार, सर्व है स्व जोड़ दिए सर्वस्व, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि अच्छा, यहाँ गुण, दशा, स्वभाव, भाव, अवस्था, यहाँ पे ये निकल करके आया, और ये तो सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्लियर है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि किस तरीके से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो इसमें भी आप प्रत्यय जोड़ देंगे विशेषण में तो क्या बन जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कि सुंदर, वह बहुत सुंदर है, ता जोड़ दीजिए तो सुंदरता भाव है उसके, है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया ये। हम वहां पे उस क्या बता रहे, सुंदर, सुंदर से ता सुंदरता, ठीक। खट्टा है तो खट्टास, खट्टास सा जोड़, है ना, तो प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो खट्टास हो जाएगा। सफेद है, ई जोड़ दीजिए सफेदी, ठीक है, दशा बता दिए आप। हरा है तो हरियाली हो गया, अच्छा है तो अच्छाई, भला है तो भलाई हो गया। प्रत्यय जोड़ देने से, विशेषण प्रत्यय जोड़ देने से क्या बन जाता है, भाववाचक बन जाता है। क्रिया शब्दों में भी प्रत्यय जोड़ देने से वो भाववाचक बन जाएगा। लिखना तो लिखाई, बुनना तो बुनाई, थकना तो थकावट, पढ़ना तो पढ़ाई, पीसना तो पिसाई, मिलाई तो मिलावट, मिलाई तो मिलावट, यानी कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है, ठीक। यानी कि किस तरीके से, कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। एग्जाम में पूछा गया था कि मीठा है तो मीठा का भाववाचक कैसे बनेगा। तो मीठा का मैंने आपको क्या बताया, प्रत्यय यदि आप जोड़ देंगे, मीठा है ये क्या है, विशेषण है, विशेषण है, प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा, और ये उसका भाववाचक आ गया, ठीक है। जैसे कि शत्रु है, शत्रु है तो प्रत्येक शत्रु को आप शत्रु ही बोलते हैं, प्रत्येक शत्रु को शत्रु ही बोलते हैं, ये क्या है, तो ये जातिवाचक है, है ना। समूह, ये क्या, ये किसका, वो जाति का, वर्ग का बोध करवा रहे, शत्रु, तो शत्रु का आप भाववाचक बनाना चाहें तो क्या जोड़ देना है आपको, प्रत्यय जोड़ देना है, शत्रुता, शत्रुता हो जाता है। पशु तो पशुता हो जाता है। दास है, दास है, ये क्या है, दास है, दास से दासत्व, दास से क्या होता है, तो दासत्व निकल करके आता है, प्रत्यय जोड़ दीजिए दासत्व हो जाएगा। दास, प्रत्येक दास को आप दास ही बोलेंगे, दास को क्या बोलोगे, दास बोलोगे आप, ये क्या है, तो ये अगेन ये जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। तो हमने बना लिया दासत्व, एग्जाम में पूछा गया है आपके, आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि उचित, उचित है ये, तो उचित का आप भाववाचक बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, उचित का क्या बनता है, तो औचित्य, क्या बनता है, औचित्य,
समझ में आ रहा है? उचित का क्या बनेगा? औचित्य बनेगा, और ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है, औचित्य। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। अब अव्यय शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है? तो अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए अव्यय शब्दों के साथ हमें क्या करना है, तो प्रत्यय जोड़ देना है। जैसे कि दूर है, ई जोड़ दो, दूरी। समीप है तो समीपता, निकट है तो निकटता, नजदीक है तो नजदीकी, नजदीकी ई जोड़ दिया हमने, बड़ी ई जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, तो वो बन गया है हमारा यहाँ पे नजदीकी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जा सकता है, किसके माध्यम से, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हुआ, तो पांच प्रकार से हुआ, हमने ये देखा। अब आ जाओ भाववाचक संज्ञा के कुछ विशेष तथ्य जान जाते हैं, जैसे कि ममता, एकता, करुणा, दया, कोमल, ये जैसे ये शब्द हैं, तो इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द ही माना जाता है। लेकिन ये क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाववाचक क्या होता है, तो गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था का जो बोध करवाते हैं जो शब्द, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इनको हम बोलेंगे कि भाववाचक है, लेकिन यदि ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के नाम का यदि बोध करवाते हैं, तो इनको हम तब भाववाचक संज्ञा ना मानकर बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ये क्या बताया जा रहा है, समझ में नहीं आया, आएगा समझ में, उदाहरण से हम समझते हैं, समझ में आ जाए। जैसे कि लिखा हुआ है कि महेश के परिवार में एकता नहीं है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे दशा के बारे में बताया जा रहा है कि उसके घर में जो है एकता नहीं है, उसके परिवार में एकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुई। आज एकता की शादी है, आज एकता की शादी मतलब हम किसी लड़की का नाम दे दिए हैं यहाँ पे, तो वो क्या हुआ, तो व्यक्तिवाचक हुआ। व्यक्तिवाचक मैंने आपको क्या बताया था, व्यक्तिवाचक क्या होती है, तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु या स्थान के बारे में पता चले, तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है ना कि एकता की शादी है, आज किसकी शादी, एकता की शादी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां पे ये भाववाचक नहीं होगा, है ना। जैसे कि कमला में सभी बच्चों के लिए ममता का स्वभाव है, ममता का भाव है, ममता का भाव है, अभी ममता का भाव है, यानी कि ये क्या, ये वो उनका क्या बताया गया, उनकी उनके भावनाओं को बताया गया कि उनमें ना ममता है, उनमें ममता है, तो यहाँ पे ये ममता क्या है, तो ममता भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है ममता कक्षा में सबसे होशियार छात्रा है, तो यहाँ पे ममता भाव को सूचित नहीं कर रहा है, बल्कि एक लड़की के नाम को सूचित कर रहा है ये वाक्य, तो यहाँ पे ममता क्या हुई, तो ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको बिल्कुल समझना है, ये नहीं कि जहाँ पर भी हमने भाव देखा नहीं, हमने गुण देखा नहीं, स्वभाव देखा नहीं, अवस्था देखी नहीं, तो बस बोल दिए भाववाचक, नहीं, आपको वाक्य भी पढ़ना है। पूछा, पूछ लिया गया ना कि इसमें आपको बताना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी संज्ञा उपयुक्त वाक्य में प्रयोग की गई है या फिर है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस संज्ञा, यहाँ पे कौन सी संज्ञा है। समझ में आया, आज के सेशन में आपको क्लियर हो रहा है कि संज्ञा क्या, हमने मतलब एकदम बेसिक से चीजों को देखा है। फिर यदि किसी धातु शब्द, किसी धातु शब्द या क्रिया शब्द में हम अन, आ, ती या प्रत्यय जोड़ दें, तो बनने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। किसी धातु में, है ना, या फिर क्रिया शब्द में, जैसे कि श्री में आ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सार। वी आ क्रिया अन, यानी कि संज्ञा का वह, ये क्या है, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हम धातु में जोड़ रहे हैं, क्रिया में हम अन, अ, ती या प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और वहां से हम क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। वी आ क्री अन, तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, व्याकरण की बात बताई जा रही है। परी आ व्री अन, तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण। क्री धन आ तो कार, क्री धन या तो कार्य, व्री धन अन तो वर्ण, आ क्री ती तो क्या हुआ, आकृति। भज धन ती तो भक्ति, पा धनिया तो पे, पठ धनिया तो पाठ है। तो धातु शब्दों से, जब हम धातुओं में यदि हम आ या अन ती ये सब जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है।
क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, इतनी चीजें क्लियर है, संज्ञा समझ में आया आप लोगों को, तो यहाँ पे हमारी संज्ञा की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।